नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील आपको एक बार फिर से एक नए अपडेट के साथ आयुष गुरुजी का स्वागत करता हूं। तो आज की वीडियो में अपडेशन यह है कि इंडियन आर्ट एंड कल्चर की एक किताब आती है जो कि नितिन सिंघानिया सर ने लिखी है। इसका फिफ्थ एडिशन आ चुका है जो कि पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। तो कवर पेज आप देख सकते हैं चेंज हो गया, पहले आपका येलो कलर का आता था और अब ये थोड़ा सा ब्लूइश कर दिया है। और आर्ट एंड कल्चर को समझना है तो आपको ये किताब जरूर पढ़नी पड़ेगी। एक बहुत ही बेहतरीन किताब है जिसके अंदर आप कंटेंट देखेंगे तो आर्ट एंड कल्चर को फील कर पाएंगे। तो इसका ये फिफ्थ एडिशन आ चुका है और इस किताब की भी हम बात करते हैं कि क्या कंटेंट में चेंज हुआ है, कौन कौन से चैप्टर इसके अंदर ऐड हुए हैं और इसका क्या प्राइस रहने वाला है और ये आपको कहाँ से मिलेगी, तो देखते एक बार आइए। तो दोस्तों, इसका ये फिफ्थ एडिशन है और कवर पेज पूरा चेंज हो गया और बहुत ही बेहतरीन सा सुंदर सा कवर पेज आया है इसके अंदर। और कवर पेज के ऊपर ही लिखा हुआ है अपडेट्स इन ऑल चैप्टर्स में सारा अपडेट हुआ है। 4 नए चैप्टर्स के अंदर ऐड हुए हैं, 10 सप्लीमेंट्री टॉपिक्स, 8 प्लेटफॉर्म ऑनलाइन। तो ऑनलाइन के कुछ 10 सप्लीमेंट्री टॉपिक्स भी आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। और आगे बात करें तो इसके अंदर आप ये स्क्रैच कार्ड होगा जो कि आपके बुक्स की ओरिजिनलिटी का पता लगाने के लिए आप ये इसका यूज कर सकते हैं और इसी से आपका ऑनलाइन का भी कंटेंट मिलने वाला है। तो कहीं से भी बुक ले तो इसका स्क्रैच कार्ड जरूर आप देखिएगा। इसके बाद मैं थोड़ा कंटेंट दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। तो एडिशंस टू फिफ्थ एडिशन, तो इसके अंदर जो फिफ्थ एडिशन के अंदर जो भी अपडेशन हुआ है उसके अंदर ये बताया गया। 4 नए चैप्टर जो है आपके, चैप्टर नंबर 2 है लेजेंडरी सिटीज ऑफ इंडिया, चैप्टर नंबर 3 है इंडियन स्कल्पचर एंड पोएट्री, एंड देन उसके बाद ट्राइबल कल्चर एंड इंडिया, ये आपका 14 चैप्टर है जो कि नया अपडेट हुआ है। उसके बाद चैप्टर 15 है जो कि ट्रेड ट्रेडर्स एंड कल्चर एक्सचेंज के ऊपर रहने वाला आपका। और उसके बाद टॉपिक्स जो नए ऐड किए गए हैं वो बताया गया है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं न्यू टॉपिक्स इन चैप्टर 1 में जो नए टॉपिक्स लिए गए हैं वो हैं जितने भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इसका आप स्क्रीनशॉट लेके भी इसका अपडेशन की, अगर आप पुराना एडिशन है तो उससे आप ये कंपेयर कर सकते हैं कि क्या क्या इसके अंदर नया ऐड हुआ है। और आगे बात करें तो कुछ टॉपिक्स चैप्टर नंबर 4 और 5 में ऐड करे गए हैं। उसके बाद न्यू टॉपिक्स चैप्टर 6 में है, 7, 8, 9, 10, तो ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स में कुछ नए टॉपिक्स आपको इसके अंदर अपडेशन देखने को मिलेगा। जैसा कि मैंने बताया सारे चैप्टर्स में कुछ ना कुछ नए टॉपिक्स ऐड किए गए हैं उन 4 चैप्टर के अलावा। और आगे देखते हैं अभी प्रीफेस फिफ्थ एडिशन, नए जो चैप्टर ऐड किए गए हैं वो बताया गया है। उसके बाद हर चैप्टर के अंदर नए टॉपिक्स ऐड किए गए हैं और 10 एडिशनल आपका ऑनलाइन कंटेंट दिया हुआ है, तो वो सारी बातें इसके अंदर बताई गई है। इसके बाद होलिस्टिक मैप इसके अंदर जो यूनेस्को द्वारा होता है और यूनेस्को की जो हेरिटेज साइट होती है वो अपडेट करके इसके अंदर आपको लास्ट में देखने को मिलेगा। तो ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ, इस किताब के लास्ट में है ये वाला मैप रहने वाला है आपका, जो कि आपका यूनेस्को के द्वारा जो हेरिटेज साइट जो दी जाती है, तो ये कुछ इस तरीके से आपका इसके अंदर मैप रहेगा आपका नए वाले एडिशन के अंदर। सो दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये किताब आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहने वाली है। और अंदर की अगर बात करें तो उसके अंदर आपका अंदर का कंटेंट कुछ इस तरीके से रहने वाला है। और 4 कलर में इस बार ये किताब आई है, यानी कि 4 कलर में किताब आई है। और अंदर का जो आप डायग्राम्स और जो इमेज के थ्रू जो समझाया गया वो सब देख सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्ट आने वाला है, अगर आप ये किताब पढ़ते हैं तो आपको पता नहीं चलेगा कब ये किताब आप ख़त्म कर जाए। और दोस्तों, यूपीएससी के जो पिछले पेपर हुए हैं उसमें कई बार देखा गया है आपका यूपीएससी मेंस जीएस फर्स्ट पेपर में कई बार क्वेश्चंस डायरेक्ट इस किताब से आपको देखने को मिले हैं। और बहुत ही बेहतरीन किताब है, काफ़ी अच्छे से सभी पहलुओं को समझाया गया है, डायग्राम्स दिए गए हैं, इमेजेस दी गई है। बात आती है कि ये किताब किन बच्चों को लेनी चाहिए। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो आप ज़रूर लीजिए ये किताब। और अगर आप पे प्रीवियस ईयर की अगर कोई बुक पहले से है, आपके 4th या फिर 3rd एडिशन है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि इस बार का 5th एडिशन आप ज़रूर लीजिए, क्योंकि इसके अंदर 4 चैप्टर जो नए ऐड हुए हैं वो तो हुए ही हैं, साथ ही साथ सभी चैप्टर में कुछ ना कुछ कंटेंट अलग से ऐड कर दिया गया है। सो दोस्तों, अगर आपको ये किताब चाहिए होगी तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लिंक दे दूंगा। और अभी मैं मुखर्जी नगर से राय बुक शॉप से ये वीडियो बना रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको 2 नंबर देखने को मिल रहे होंगे, इन दोनों पे आप व्हाट्सअप और कॉल करके आसानी से अपने घर तक मंगा सकते हैं। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको ऐसी यूपीएससी से रिलेटेड स्टडी मटेरियल की डिटेल्स टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू सो मच।